For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमजद दुरानी है। MBBS डॉक्टर हूँ और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एक तो पाकिस्तान से थी ऑनकोलॉजी में, और एक मैंने यूरोप से बाहर से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है जो मेडिकल ऑनकोलॉजी में है, जो कि रेयर चीज़ है कि आपने दो चीज़ों में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। मैं बेसिकली एक ऑनकोलॉजिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 साल से मैं एज कंसल्टेंट ऑनकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने यूरोप और मिडल ईस्ट में ज़्यादातर काम किया, तो अब गुज़श्ता 2-3 साल से मैं पाकिस्तान में एज कंसल्टेंट ऑनकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है कॉजेज का, तो ज़्यादातर जो कैंसर्स जो हैं उनकी वजूहात का अभी इल्म नहीं कि वो क्यों होते। अब रहा कॉजेस जो हमें हम जानते हैं, उनमें से सबसे अहम जो चीज़ है वो स्मोकिंग है, दूसरा पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, फिर केमिकल्स हैं, रेडिएशन है, फिर वायरसेस हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि एक जाना बूझा जो है ना उसमें उसकी वजूहात है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे जो कि अहम होता है ब्रेस्ट कैंसर में, ओवेरियन कैंसर्स में। अच्छा, सबसे ज़्यादा अहम जो है, मैंने जो वायरसेस का ज़िक्र किया उसमें जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या जिगर का कैंसर है, वो 5-10% उन लोगों में होता है जिनमें ऑलरेडी वायरल हेपेटाइटिस हो चुका होता है, या लिम्फोमास हैं जिनमें वायरस जो है जिसकी वजह से होता है, बर्किट्स लिम्फोमा जैसे बहुत मशहूर एक लिम्फोमा है और डिजीज़ है कैंसर्स की। तो ये तो वजूहात हैं, कुछ अननोन सी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हो रही हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ज़्यादातर जो हैं उनके बारे में अभी इल्म नहीं। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में कुछ समझा जाता है कि शायद एक को हो गया तो सारी फैमिली को हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जो है कैसे, जैसे कि ब्रेस्ट है या ओवेरियन है और 2-3 है जिनमें हमने देखा है कि 5-6% जो है कैंसर्स जो हैं उनमें हो सकते हैं, अगर फैमिलियल है या जेनेटिकली किसी फैमिली में आ चुके हैं तो उनमें चांसेस होते हैं कि ब्लड रिलेशंस में चांसेस होता है कि वो कैंसर हो सकता है, ज़्यादा इम्कान आते हैं। इंजरीज कैनॉट कॉज कैंसर अंटिल अनलेस जो है वो काफ़ी देर तक उसका वूंड बने और हील ना हो, फिर चांसेस होते हैं। बाकी इंजरीज कोई मेरे नज़दीक कोई इतना कॉजेटिव इसमें एजेंट नहीं है। स्ट्रेस के बारे में कहा जाता है कि ये लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में कि ये कैंसर कॉज करता है, नहीं, कैंसर बेसिकली तो सेल्स जो हैं वो डीरेगुलेट होते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो फिर जाके होता है। स्ट्रेस जो है हाँ इन्हांस कर सकता है, ऑलरेडी अगर कैंसर हो और आप स्ट्रेस ले रहे हो तो यस ये उसको बढ़ा सकता है लेकिन कॉज नहीं कर सकता। एक और जो सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब क्या जो है हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या दोबारा कैंसर हो सकता है, या कोई हमारे कोई अजीज़ है उनको दोबारा हो सकता है। देखा गया है कि रेयरिटी में थोड़े से लोगों में ये चांसेस होते हैं और हमेशा होते हैं। अब डेवलप करता है या नहीं करता वो बहुत कम लोगों में डेवलप करता है, क्योंकि इसमें जो ख़ास तौर पे हम केमिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं या रेडिएशन यूज़ करते हैं, ये सेल्स में चेंजेस लेके आते हैं, तो वो इंड्यूस कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं कि वो अनकंट्रोल हो जाए सेल्स और दोबारा आ जाए।
लेकिन फिर भी हम बहुत मुहतात होते हैं। कुछ तो एजेंट्स जो हैं जैसे अल्कलेटिंग एजेंट्स हम बोलते हैं, उनमें चांसेस होते हैं कि बहुत रेयरली वो जो है सेकेंडरी मलिग्नेंसी या दूसरी मलिग्नेंसी भी हो जाए पहले की ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन वो मूवमेंट जो है 15-20 साल के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं, फौरन नहीं। कैन कैंसर बी प्रिवेंटेड? यस, व्हाई नॉट। अगर जिसमें जिस हमें जो पता है जिसकी कॉजेटिव या जो चीज़ें कॉज कर रही हैं, पहले तो ये है कि उनको हम कम कर दें, मतलब स्मोकिंग है उसको ख़त्म करें। अब बीटल नट है, ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे हमारे कराची में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पान के साथ कत्था चूना और जो बीटल नट्स होते हैं, तो वो हमें पता है कि वो मुंह का कैंसर कॉज कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको अवॉइड किया जाए। अगर उसको अवॉइड करेंगे तो चांसेस कम से कम होते जाएंगे। फिर स्मोकिंग आप ना करें, क्या ज़रूरत है? अगर आपको पता है कि ये कॉज करता है तो उसमें चांसेस कम से कम होते जाएंगे। ख़ास तौर पे जिन कॉजिटिव एजेंट्स का मैंने जिक्र किया, अगर उनके बारे में पता है कि ये नुकसान देते हैं तो उनको अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह उसमें चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी जिन में हमें इटियालोजी या इनका पता नहीं होता कि ये किस वजह से कैंसर हो रहा है, वो तो खैर अल्लाह की तरफ से है, किसी चीज़ में होना होता है तो हो जाता है। लेकिन जिनको अवॉइड किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, हमें करना चाहिए। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना डेली एक्सरसाइज करें, फूड पे अच्छा तवज्जो दें। जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है, देखें हर जो है ये पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है, एक बीमारियों का मजमू है, और तकरीबन 200 किस्म के कैंसर जो हैं, हर कैंसर की वजूहात हैं, हर कैंसर की प्रेजेंटेशन है कि किस तरह वो प्रेजेंट कर रहा है। मसलन मसाने का कैंसर और तरह प्रेजेंट करेगा, ओवरी का और तरह करेगा, फेफड़े का और तरह करेगा, फिर ब्रेस्ट का और तरह करेगा, जिगर का, ये डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरह होता है, तो उसकी साइन एंड सिम्टम उसके मुताबिक होंगे। लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं, मसलन ब्रेस्ट में अगर लंप है या एक लोथड़ा सा बना है, तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। औरतों को ख़ास तौर पे 40 इयर्स के बाद, उससे पहले भी चांसेस होते हैं। फिर अगर खून आ रहा है इसके साथ, खांसी के साथ या उल्टी के साथ, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर अगर पेशाब के साथ खून आ रहा है, कहीं से ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है किसी भी जिस्म के हिस्से से, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें अपने करीबी डॉक्टर से करना चाहिए रابطہ। फिर ये है कि अगर धब्बा पड़ रहा है, अगर कोई अनड्यू स्किन पे आपके जिस्म पे, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। भूख नहीं लग रही या बहुत ज़्यादा आपका वज़न एकदम कम हो गया है, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, अलार्म्ड हुए बगैर, क्योंकि ये कुछ चीज़ें तो आम मतलब हालात में भी होती हैं, लेकिन अगर इसके साथ आपको मुसलसल ज़्यादती इसकी होती जा रही है, तो ज़रूर टेस्ट करवाएं और अपने किसी करीबी डॉक्टर से या माहिर डॉक्टर से रابطہ करें। वेल, अगर आपने मुझसे मशवरा या अपॉइंटमेंट लेना हो, तो आप वज़ीर हबीब कैंसर सेंटर में आ सकते हैं। ये सुबह से शाम तक खुला होता है। अभी तक इसके जो टाइमिंग्स हैं वो 10 से तकरीबन 7 बजे, लेकिन ये कि प्रेफरेबली आप 11 से 5 बजे अपॉइंटमेंट्स लें और मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट्स लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, हम इसमें ज़रूर आपकी मदद करेंगे।